स्पोर्ट्स फ्लैशेस के इस चैनल पर आपका स्वागत है। खेलों की दुनिया की हर अपडेट, खेलों की दुनिया से जुड़े सवाल और उनके जवाब हम लेके आते हैं आप तक सिर्फ स्पोर्ट्स फ्लैशेस पर। क्रिकेट जगत की अब तक की सबसे चर्चित खबर है राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया का कोच नियुक्त करना। पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया का नया हेड कोच बनाया गया है। बीसीसीआई ने ट्विटर पर कंफर्म करते हुए इसका ऐलान किया। सुलक्षणा नायक और आरपी सिंह की क्रिकेट सलाहकार समिति ने सबकी सहमति से राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया है। तो हमारी तरफ से, आपकी तरफ से राहुल द्रविड़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत के पूर्व कप्तान द्रविड़ न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 नवंबर से शुरू होने वाली सीरीज का कार्यभार संभालेंगे। बीसीसीआई ने रवि शास्त्री के स्थान पर अगले हेड कोच की नियुक्ति के लिए 26 अक्टूबर को हेड कोच पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे और शास्त्री का कार्यकाल मौजूदा आईसीसी टी20 कप के बाद समाप्त हो रहा है। बीसीसीआई ने कहा कि बोर्ड रवि शास्त्री, भरत अरुण, आर श्रीधर और विक्रम राठौड़ को उनके सफल कार्यकाल के लिए बधाई देता है। आपको बता दूं कि रवि शास्त्री के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत टेस्ट में नंबर वन बना और इंग्लैंड में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा। साथ ही शास्त्री के कोच रहते भारत ऑस्ट्रेलिया 2018-19 में टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनी और इसके बाद 2020-21 में एक और सीरीज जीती। इसी के साथ रवि शास्त्री के कार्यकाल में भारत द्विपक्षीय सीरीज में सभी 5 टी20 इंटरनेशनल मैच जीतने वाली पहली टीम भी थी, जब उसने न्यूजीलैंड को 5-0 से हराया था। शास्त्री और उनकी टीम के मार्गदर्शन में भारत ने घर में सभी 7 टेस्ट सीरीज भी जीती। माना जा रहा है कि राहुल द्रविड़ 2023 वर्ल्ड कप तक इंडियन क्रिकेट टीम के कोच बने रहेंगे। इससे पहले इस तरह की खबरें सामने आई थी कि राहुल द्रविड़ चाहते हैं कि पुराने सहायक स्टाफ को हटाकर नए स्टाफ लाए जाएं और साथ में कुछ और बदलाव भी हैं। ऐसा भी समझा जा रहा है कि मुंबई के पूर्व तेज गेंदबाज पारस महामरे भरत अरुण की जगह गेंदबाजी कोच का कार्यभार संभाल सकते हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि राहुल द्रविड़ ने कोच पद के लिए ऑस्ट्रेलिया के टॉम मूडी का नाम सजेस्ट किया था, लेकिन बोर्ड ने इस पर ज्यादा रुचि नहीं जताई। 48 साल के राहुल द्रविड़ पिछले 6 सालों से इंडिया ए और अंडर 19 का जिम्मा संभाले हुए हैं। वो फिलहाल बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी के चीफ हैं। बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ की नियुक्ति का ऐलान किया। मौजूदा कोच रवि शास्त्री का कार्यकाल टी20 वर्ल्ड कप 2021 खत्म होने के साथ ही पूरा हो जाएगा। द्रविड़ वर्ल्ड कप के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली सभी घरेलू सीरीज से टीम की कमान संभालेंगे और एक रिपोर्ट के मुताबिक तो द्रविड़ को हेड कोच के तौर पर 10 करोड़ रुपए वेतन के रूप में भी मिलेंगे। द्रविड़ ने इस मौके पर कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया जाना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है और मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी के मार्गदर्शन में टीम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि टीम के साथ काम करते हुए मैं इसे और आगे ले जाऊंगा। द्रविड़ के साथ काम कर चुके पारस महामरे को टीम इंडिया का बॉलिंग कोच बनाया जा सकता है, इस बात पर अभी भी अटकलें बनी हुई हैं। और इसके अलावा विक्रम राठौड़ टीम के बल्लेबाजी कोच बनेंगे, जबकि फील्डिंग कोच आर श्रीधर के रिप्लेसमेंट को लेकर अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है। खबर है कि राठौड़ ने दोबारा बल्लेबाजी कोच पद के लिए अप्लाई भी कर दिया है। तो खेल जगत की कुछ ऐसी ही खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए स्पोर्ट्स फ्लैशेस पर। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर अपडेट सबसे पहले। बने रहिए स्पोर्ट्स फ्लैशेस पर।